नमस्कार, आइए देखते हैं स्टार्टअप कैपिटल में जो जो चीज़ें हमने सीखी थी उसको अब यहाँ पे हम लोग एक टेम्पलेट में डाल लेते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो। टेम्पलेट में करना क्या है, ये जो आइटम्स हैं रेंट एंड डिपॉजिट के अंदर, एडवांस रेंट आ गया, ब्रोकरेज आ गया, रनिंग कॉस्ट, डिपॉजिट, पगड़ी, इक्विपमेंट के अंदर जितने इक्विपमेंट थे आपके, फील फ्री टू ऐड और डिलीट रोज वेर एवर इट इज नीडेड। द आइडिया इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इज इट डन, किस तरीके से हम लोग स्टार्टअप कैपिटल निकालते हैं उसका आइडिया देने के लिए ये आपको एस्टिमेट दिया है। अब जैसे मान लीजिए फ्रिज है, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे कि 500 लीटर का फ्रिज, वो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, दो डोर होगा, चार डोर होगा, तीन डोर होगा, जो भी डिटेलिंग आपको समझ आती है ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि ये कौन से इक्विपमेंट की बात हो रही है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, किस लिए मैं आपको यहां पे ये टेम्पलेट दिखा रहा हूं, वो है कारण ये, बेस्ट एस्टिमेट एंड वर्स्ट एस्टिमेट। आप तो बिजनेस शुरू किए नहीं हो अभी, अभी आप प्लान कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी आप प्लान कर रहे हो तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपने बिजनेस के लिए फ्रिज सोचा 45,000 का और मार्केट में 45,000 में मिलेगा। यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, आपने तो कहीं ऑनलाइन देखा, कहीं नेट पे या अमेजोन पे देखा, वहां से आपने एस्टिमेट निकाला, मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है अलग रेट हो, राइट? सो जितनी भी चीजें हैं, अभी यहां आप देख लो, इंटीरियर के चार्जेस हो गए, आपका साइनेज हो गया, फर्नीचर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, आईटी हार्डवेयर हो गया, जितने भी आइटम हैं सब में पहले तो आप एक लिखो बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट के सिनारियों में वो काम कितने में हो जाएगा। और अगर चीजें ठीक से नहीं हुई, कोई गधा मिल गया, वेंडर ने ठीक से काम नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर गलत पकड़ा गया, दोबारा करना पड़ा, होता है, लाइफ है, यू नो, हर चीज पहली बार परफेक्ट हो जाए जरूरी नहीं है, इतने परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे हम लोग, यहाँ चीजें रीवर्क में भी जाती हैं, मिस्टेक्स भी होता है, सब होता है। सो व्हाट इज योर वर्स्ट एस्टिमेट, फॉर एग्जाम्पल टाइल्स की बात करते हैं, टाइल्स जनरली 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर के 80-90 रुपीज पर स्क्वायर फीट की होती हैं, टिपिकल जो विट्रीफाइड टाइल फ्लोर में लगती है वो। अब टाइल्स के साथ वो टाइल का जो एडहेसिव होता है, या तो आप उसको यूज करोगे या आप सीमेंट वाला मिक्सचर यूज करोगे उसको चिपकाने के लिए, फिर कोई कारीगर आएगा जो टाइल्स को लगाएगा, जो कारीगर है एक दिन में 80-90 स्क्वायर फीट से ज्यादा काम करता नहीं है, जनरली क्या होगा वो 50-60 स्क्वायर फीट करेगा, शाम होने को आएगी, 5 बजने वाले होंगे, उस समय से वो हाथ वाथ धो करके रेडी होकर के तैयार हो जाएंगे कि आज की छुट्टी अब कल करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम दो उनको, कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप काम दोगे तो वो पर स्क्वायर फीट की बात करेंगे कि पर स्क्वायर फीट कोई तो आपको 50 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करेगा, कोई आपको 100 रुपये करेगा, 150 कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में हैं आप और उस समय की डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन कैसी है, लेबर रेट कैन वेरी। तो अगर 50 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज किया उसने तो आपका बेस्ट एस्टिमेट हो गया, अगर 150 रुपीज चार्ज किया उसने तो आपका वर्स्ट एस्टिमेट हो गया। तो इस तरीके से बेस्ट एस्टिमेट और वर्स्ट एस्टिमेट निकालते हैं हर एक चीज के लिए। फिर जब आप फाइनली उस काम को करोगे तो साथ में एक एक्चुअल कॉस्ट भी रखो, तो आपको मालूम पड़ता है आपकी प्लानिंग कितनी सॉलिड थी। ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है ना लाइफ का, इसके बाद दूसरे भी प्रोजेक्ट आएंगे, ईश्वर करे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो आप और बड़ा प्रोजेक्ट करें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करें, उस समय आपको ये जानकारी काम आएगी कि पहले प्रोजेक्ट में मैंने ये प्लान किया था, बेस्ट केस वर्स्ट केस ये था, एक्चुअल इतना लगा था। तो आपकी प्लानिंग कितनी सॉलिड है वो आपको यहां दिखेगा, उसके लिए जरूरी है हम ये सारी चीजें मेंशन करें यहां पे। सो ये भरते जाइए, जहां जहां सब टोटल है वहां टोटल कर दीजिए तो उस एरिया का आपको टोटल मालूम पड़ जाएगा। यहां इस शीट को भरते ही आपको स्टार्टअप कैपिटल मिलेगा, यहां पे वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा, यहां पे आपका जो सेफ्टी नेट की बात कर रहे थे हम लोग वो नहीं आएगा, सिर्फ स्टार्टअप कैपिटल आएगा। कारण है वो हम बाद में समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स की प्लानिंग कैसे करते हैं। तब तक आप मुझे ये बताइए आपका स्टार्टअप कॉस्ट फर्स्ट कट कितना आ रहा है, से दैट इन द कमेंट्स, बताइए क्या सोचा था आपने, इतने पैसे लगेंगे मुझे बिजनेस में और
एक्चुअल स्टार्टअप कॉस्ट जब आप बैठे हो कैलकुलेट करने, कितना आ रहा है, कौन कौन से आइटम है, शेयर कीजिए। सी ऑन द अदर साइड।